ये जो कुछ भी हुआ और अब मीडिया भी कहीं यू नो खड़ी हो गई है इस पूरे मुद्दे को लेके, शुरुआत रोहित के मुद्दे से थी और ये हुआ है, आप खुद मौजूद थी क्या वहाँ से? और आप पहले नहीं, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं वहाँ उस मार्च, प्रोटेस्ट मार्च में जो छात्रों ने निकाली थी जस्टिस फॉर रोहित की मांग करते हुए झंडेवाला में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हेडक्वार्टर के बाहर, मैं वहाँ नहीं थी, लेकिन मेरे कुछ दोस्त थे वहाँ पे और उन्होंने कल शाम को मुझे वो वीडियो क्लिप्स भेजे जिसमें बहुत साफ तरीके से पता चल रहा है कि दिल्ली पुलिस के कॉन्स्टेबल्स ने और कुछ गुंडों ने जो प्लेन क्लोथ सिविल्स में हैं उन्होंने छात्रों को और लड़कियों को बहुत बेरहमी से मारा पीटा, लाठियों से उनकी पिटाई की। तो मैंने जब ये वीडियो देखा मैं बहुत ही मतलब मैं दंग रह गई, मैं बहुत शॉक थी और सबसे पहले तो मुझे बहुत डर लगा क्योंकि मुझे याद आया कि 5 साल पहले तक मैं भी उस सड़क पे हो सकती थी और मैं भी पिट रही हो सकती थी पुलिस के हाथों। तो मैंने वो वीडियो शेयर करना शुरू किया ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, मैंने अपने सारे दोस्तों को बोला उसे शेयर करिए, फिर और लोगों ने उसे शेयर किया, हमने कुछ जर्नलिस्ट्स को कॉन्टैक्ट किया कि आप ये देखें। और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि ये मीडिया ने पिक किया है और अब दिल्ली पुलिस से सवाल उठाया जा रहा है क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए कि भारत एक लोकतंत्र है और कोई भी पीसफुल प्रोटेस्ट एक यू नो एक अहिंसात्मक विरोध हर बाशिंदे का, इस देश के बाशिंदे का हक है। तो पुलिस को क्या मजबूरी थी कि उन्हें ऐसे अनआर्म्ड छात्रों पे और लड़कियों पे इतनी बेरहमी से लाठियां चलाने की जरूरत पड़ी? ओके, कल से खुद वहाँ मौजूद थे और उसके उनके बावजूद ये होना, और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और स्टेट सरकार की अगर मैं बात, स्टेट गवर्नमेंट की बात करूँ, अरविंद केजरीवाल की सरकार की बात करूँ, उनमें तनातनी चलती आई है दिल्ली पुलिस को भी लेके जी। तो कहीं उस बात का प्रेशर मानते हैं आप कि उनके अधीन नहीं है दिल्ली पुलिस, और क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे भी छात्र थे जो कहीं आपसे ताल्लुक रखते थे, आप यू नो कहीं राजनीतिक दखल भी था? मुझे समझ नहीं आता कि तो क्या हो गया अगर वहाँ पे, अब तो मुझे नहीं पता कि वहाँ पे ये कंजेक्चर है, मुझे नहीं पता कि वहाँ पे आपके वर्कर्स थे या आपके छात्र थे, लेकिन हर यंग पर्सन जिसका एक दिमाग होता है वो किसी ना किसी पॉलिटिक्स का होता है। आखिरकार हम सब वोट देते हैं और हम सब किसी पॉलिटिकल पार्टी को ही वोट देते हैं, और हम इसलिए वोट देते हैं क्योंकि हम एक लोकतंत्र हैं और हमें अपनी सरकार बनानी होती है। तो जब हमने सरकार चुनी है, एक लोकतांत्रिक सरकार चुनी है, तो इसमें क्या बुरा है कि हम उस सरकार से सवाल पूछें? तो इवन अगर वहाँ पे आपके लोग मौजूद थे या दूसरे राजनीतिक दलों से छात्र मौजूद थे, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप उनकी पिटाई कर देंगे। वो कोई कानून नहीं तोड़ रहे हैं, वो वहाँ पे एक अहिंसात्मक विरोध कर रहे हैं जो कि आपके ही संविधान के मतलब तहत उनको वो हक मिला है इस देश का नागरिक होने के वजह से। तो इसमें क्या बुरा हो गया? तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि पुलिस ने किस कारणवश इतना ड्रकोनियन जिसे कहते हैं और इतना एक्सट्रीम एक्शन लिया। आखिरकार दिल्ली पुलिस का वो है ना टैगलाइन कि विद यू फॉर यू ऑलवेज, दिल्ली पुलिस का काम है कि वो दिल्ली की सड़कों पे दिल्ली के नागरिकों को महफूज रखे और स्पेशली औरतों को महफूज रखे। तो अगर दिल्ली पुलिस ही मतलब लोगों और आम आदमी को और पब्लिक को मारने लगेगी तो फिर हम किसके पास जाएंगे? ओके, मोदी जी के आने के लिए बहुत बड़ी बड़ी यू नो उम्मीदें जगी थी, बदलाव आएगा, चेंज आएगा, केंद्र में वो खुद बैठे हुए हैं और दिल्ली पुलिस इस तरह का बर्ताव करती है खास करके महिलाओं के साथ, जिस बेदर्दी से, जिस बेरहमी से वो मार रहे हैं या पीट रहे हैं महिलाओं को, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि बदलाव? और एक बात और सवरा, आप हमेशा से सॉफ्ट टारगेट रही हैं, जब भी आप कोई आवाज़ बुलंद करती हैं आपके खिलाफ भी बहुत कुछ होता है और आप लेकिन करती हैं जैसे आप कर रही हैं जी। मैं आप खुद यहां मैं बहुत ढीठ हूं, मैं बाज नहीं आती, अब मैं क्या बोलूं अपने बारे में। बट मैं ज़रूर ये कहूँगी कि जी हाँ, दिल्ली पुलिस जो है केंद्र सरकार के नीचे आती है, लेकिन मुझे ये भी याद है कि जब निर्भया कांड हुआ था और जब उस लड़की का बहुत बेरहमी से सामूहिक बलात्कार हुआ था और दिल्ली और पूरे देश भर के लोग दिल्ली की सड़कों पर उतरे थे विरोध करने, तब भी दिल्ली पुलिस का यही रवैया रहा था, तब भी दिल्ली पुलिस ने हिंसा का साथ मतलब हिंसा अपनाई थी और बहुत बेरहमी से उस वक्त भी प्रोटेस्टर्स को हटाने की कोशिश की थी। तो उस वक्त तो कांग्रेस की सरकार थी, तो मुझे लगता है कि हम मतलब डेफिनेटली हम ये सवाल होम मिनिस्ट्री से भी पूछना चाहेंगे और उनसे दरख्वास्त करेंगे कि आप इस मामले में तहकीकात करें और हमें कुछ जवाब दें। लेकिन इसके अलावा मैं ज़रूर ये दिल्ली पुलिस से पूछना चाहूँगी कि आपको क्या ऐसा हो जाता है जब लोग एक पीसफुल विरोध करते हैं कि आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप हिंसा के थ्रू लोगों को वहाँ से हटाने की कोशिश करें? आखिरकार
जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ कि कुछ गैरकानूनी नहीं है इसमें, यह हक है नागरिकों का कि वो वहाँ पर प्रोटेस्ट कर पाएँ, और ये हमारा समाज है, ये हमारा देश है, और हमें हमारे समाज और देश के बारे में सवाल पूछने का बिल्कुल हक है क्योंकि हम लोकतंत्र हैं। एक दिल्ली पुलिस के अफसरों ने एक किस्म की मतलब सफाई दी है कि उस इलाके में 144 सेक्शन 144 लगा हुआ था, कर्फ्यू लगा हुआ था, और वहाँ पे प्रोटेस्ट करना अलाउड नहीं है। लेकिन अगर वो सच है, फिर भी मैं ये कहूँगी कि ठीक है, वहाँ पे उन लोगों को प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप अलग तरीक़ों से उन्हें हटा सकते थे, आप वो रस्सियों से लोगों को पीछे कर सकते थे, आप को क्या ज़रूरत पड़ी कि आप मार पिटाई पे उतर आए। और ज़्यादा बड़ा सवाल ये कि आप खुद कानून के रखवाले हैं, आप कैसे कानून तोड़ सकते हैं, आप कैसे औरतों पे हाथ उठा सकते हैं, और आप गुंडों का सहारा कैसे ले सकते हैं। कौन थे वो लोग जो कि सिविल्स में थे, प्लेन क्लोज में थे? जब पुलिस वालों से पूछा गया, वहाँ पे डीसीपी कलसी साहब खुद थे, उन्होंने कहा कि मैंने देखा ही नहीं, ये पता नहीं कैसे हो सकता है क्योंकि उनके नज़रों के सामने हो रहा था। और उन्होंने कहा कि नहीं, वो पुलिस के लोग नहीं थे। अगर वो पुलिस के लोग नहीं थे तो वो वहाँ क्या कर रहे थे और आप उन्हें रोक क्यों नहीं रहे थे? तो फिर कई सारे सवाल आएंगे ना कि क्या ये प्रॉब्लम थी कि वो आरएसएस के सामने हो रहा था और इसलिए आपने उस प्रोटेस्ट को इतनी बेरहमी से रोकने की ज़रूरत समझी। तो मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो हमें जवाब दें और वो जो गुंडे थे उनको, उनके खिलाफ कार्यवाही हो, और वो जो हवलदार थे, वो जो कांस्टेबल्स थे जिन्होंने लड़कियों को मारा स्पेशली और स्टूडेंट्स को मारा, कि उनके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए। ओके, इसके बाद आपने शुरुआत तो करी थी, यहाँ मीडिया से आप इंटरेक्शन कर रही हैं, ट्विटर पे हैं आप, हर सोशल माध्यम से आप लोगों तक बात पहुँचा रही हैं, और आपने शुरुआत कर दी है, क्या आगे और आगे लेके जाने की तैयारी है आपको इस लड़ाई को, खास करके जो दिल्ली में हुआ? वेल, मुझे लगता है कि मैंने सिर्फ अपनी आवाज़ एक ज़िम्मेदार नागरिक और एक कंसर्न्ड सिटीज़न के तहत उठाई है। मैं खुद दिल्ली में पली बढ़ी पढ़ी हूँ, शायद इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा कि अरे ये क्या हो गया। बट जी हाँ, मैं वहाँ पे नहीं थी, लेकिन मेरे कई दोस्त वहाँ पे थे, वो लोग इस चीज़ को फॉलो अप करेंगे, और हम सबकी यही उम्मीद है कि हम वो सवाल पूछते रहें जब तक कि हम सरकार को और दिल्ली पुलिस को कुछ जवाब देने पे और कुछ कार्यवाही करने पे हम उन्हें मजबूर ना करें, या हम बट मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हम सिर्फ बतौर नागरिक और बतौर सिविल सोसाइटी अपना काम कर रहे हैं, इसलिए तो हमने आपको वोट दिए थे ना कि आप संवैधानिक तरीके से हमारे देश पर राज करें और संवैधानिक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें हमारे शहरों में। तो अगर आप संविधान को भूल जाएंगे और आप गैर संवैधानिक कार्यवाही करना शुरू करेंगे, तो वोटर होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको याद दिलाएं कि संविधान ने क्या लिखा था। आखिरी सवाल आपसे, आप खुद यहाँ मुंबई में अकेली रहती हैं सौरा, और पहले भी ये बताने के लिए शुक्रिया लोगों को कि मैं अकेले रहती हूँ ताकि वो आके मुझ पे लाठियां मारें जल्दी। नहीं, आपको डर नहीं लगता? और आप इतनी बेबाकी से हर बात रखती हैं बहुत शुरू से, और उसको लेके विवाद भी होते रहे हैं, खिलाफत भी होती रही है आपकी, लेकिन आपको जो कहना है, जो आपको सही लगता है कि हाँ ये सही है या हक की बात है या मुझे कहनी चाहिए, लोगों तक पहुँचनी चाहिए, जी डर नहीं लगता कहीं इतनी बेबाकी का? और यू नो, अब आप मुझे डरा रहे हो तो अब मुझे शायद थोड़ा डर लगेगा, लेकिन मैंने कभी ये नहीं समझा कि मैं कुछ गलत काम कर रही हूँ। मैंने हमेशा यही समझा कि हमारे देश में, हमारे संविधान ने हमें जो हक दिए हैं उसी के तहत मैं अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। मैं एक बहुत ही मतलब मैं एक प्राउड इंडियन हूँ, मुझे अपने देश से, अपने शहरों से बहुत प्यार है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं कहीं और चले जाऊँ, किसी दूसरे देश में जाके रहूँ। मैंने श्याम बेनेगल सर के निर्देशन में संविधान नामक एक टीवी सीरीज़ था, उसकी एंकरिंग भी करी थी, और तब मैंने, इसलिए मुझे संविधान में इतना कहती हूँ क्योंकि उसको करने के वक्त मुझे समझ में आया कि हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हम भारत जैसे देश में के बाशिंदे हैं, जिसका एक इतना बेहतरीन आईन और इतना बेहतरीन संविधान है, जो इतना प्रगतिशील है और जो इतने अच्छे से हमारे समाज को एक रास्ता दिखाता है कि इस रास्ते पर चलो, ऐसा समाज, ऐसा देश बनाओ। तो हाँ, शायद मुझे बहुत ख़राब लगता है जब मैं आसपास समाज में देखती हूँ ऐसी चीज़ें जो इतनी दुखदायक हैं और गैर संवैधानिक हैं, और मुझे लगता है एक पढ़े लिखे नागरिक और एक जागरूक नागरिक होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं हमारे सरकार से और हमारे इंस्टीट्यूशन से सवाल उठाते रहूं, क्योंकि मैं हर साल वोट देती हूं, मतलब हर 5 साल। लास्ट दो सवाल,
आप इतनी दुबली कैसे हो रही है, प्रेम ना तुम नहीं पाओगे, बात क्या बात देख ना पाए। आपका पहला सवाल कि मैं मतलब अब मैं क्या बोलूं कि ये वो विडंबना और ये वो कहते हैं आयरनी है कि मैंने इतनी डाइटिंग करी और इतनी एक्सरसाइज करी लेकिन फाइनली सारा वेट मैंने जॉन्डिस के थ्रू लूज़ किया, मुझे पीलिया हो गया और तब मैं पतली हुई, बट आई होप मैं ये मेंटेन कर पाऊँ। और दूसरा कि प्रेम रतन धन पायो जो मेरी आखिरी रिलीज़ थी, उसके बाद अब मेरी अगली रिलीज़ है नील बटे सन्नाटा 22 अप्रैल को, बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत फिल्म और उसके बारे में मैं ज़रूर आप सबसे बात करूँगी जब रिलीज़ के जब हम समीप आ जाएंगे। और इसके अलावा मैं अनारकली आरावाली नाम की फिल्म की शूटिंग कर रही हूँ, इनफैक्ट मैं जल्दी निकलने वाली हूँ वापस शूट पे जाने के लिए, और कुछ स्क्रिप्ट्स पढ़ रही हूँ, कुछ एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स हैं जो अगले एक महीने के अंदर हो जाएंगी। That's what's going on. Okay, नील बटे सन्नाटा, अनारकली, आरावाली, अलग अलग तरह के एकदम मुख्तलिफ टाइटल, इंटरेस्टिंग टाइटल, क्या उतना ही इंटरेस्टिंग फिल्म होने वाली है? Definitely. डेफिनेटली नील बटे सन्नाटा एक बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत फिल्म है, ये अपने मुंह मियां मिट्ठू है लेकिन मुझे इसके लिए चाइना में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिल चुका है सिल्क रोड फिल्म फेस्टिवल पे, बट ऑफ कोर्स वो अवार्ड पूरी फिल्म को जाता है। एक कहानी है एक माँ की, और मैं वो माँ हूँ, 15 साल की लड़की की माँ का रोल किया है मैंने, मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रोल था ये। ऑफकोर्स कई लोगों ने मुझे कहा कि ये करियर खुदकुशी भी है क्योंकि कौन सी एक्ट्रेस अपनी उम्र से बढ़कर रोल करती है, वो भी 15 साल की बच्ची की माँ का, बट इतनी खूबसूरत कहानी थी कि मैं मना नहीं कर पाई और आई एम वेरी प्राउड कि मैंने वो फिल्म करी क्योंकि वो फिल्म सच में उतनी ही बेहतरीन है। और नील बटे सन्नाटा का क्या मतलब है ये आप लोगों को पता करना चाहिए क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइटल है और उसका मतलब भी बहुत प्यारा सा है। अनारकली आरावाली एक ऑर्केस्ट्रा पार्टी की गायिका की कहानी है जो जो बड़े ही क्या बोलें अब डबल मीनिंग के गाने गाती है गाँव और बिहार में गाँव में और छोटे छोटे कस्बों में, और उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा वाक्या होता है जिससे उसकी पूरी ज़िंदगी पलट जाती है। तो एक बहुत ही खूबसूरत ये भी कहानी और औरतों के मुद्दों को बिल्कुल सेंटर में रखती हुई, और एक ऐसी दुनिया जो हमने बॉलीवुड में देखी नहीं है कि नौटंकी और ऑर्केस्ट्रा पार्टीज की दुनिया। थैंक यू सो मच।